Thank you.
아내의 집 뜻이래. सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा या क्या लगा आपको, क्या क्यों आप लोगों की टीम ने सेकंड पोजीशन ली? कोशिश टारगेट था उसको आप जो करने के वास्ते कोशिश होने में सब मिल गया। मैं देख रहा हूँ कि इस ग्रुप में कुछ बाकी से इसमें एज ग्रुप बड़े थोड़े ज्यादा है और यहाँ पर कुछ लोगों को शुगर भी ज्यादा, दो तीन लोग ऐसे है। फिर भी एक बार जोड़ना पहले हो जाए इन लोगों को। यहाँ पर हम लोगों ने जो कमजोर था, कोई कमजोर था इसमें आपकी टीम में? कौन कमजोर था जो सबसे बहुत आखिरी में आया? लेकिन आप लोगों ने उसको कितना सपोर्ट किया? क्यों? आपको पता था कि सामने वाले का कमजोरी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। जो पांच आपके ऐसे दोस्त होने चाहिए थे उसमें से कुछ लोग थे उसको उसके लिए तालियां बजाने के लिए, जैसे ही वो कंप्लीट करके उसके लिए आपने तालियां बजाई। इस टीम में क्या लगा आपको? दे सकते हैं और निश्चित ही ये करेंगे। अगर वो हुआ तो इसमें फायदा किसका है? बैंक का है, ऑटोमेटिकली आपका है, आपको प्रमोशन मिलेगा, बोनस ज्यादा मिलेगा, ये सब चीजें होगी। लेकिन ये काम अकेले को करना है क्या? सबको मिलके करना है। अगर मान लो कोई काम नहीं कर रहा तो क्या उसको बार बार ये बोलोगे मैं कर सकता हूं तू नहीं कर सकता? अगर इस भावना से काम करोगे तो आप उसे कभी भी नहीं कर पाओगे। जो लीडर है उसको उसके जैसा बनना पड़ेगा। जब 1915 में जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई कर करके बैरिस्टर बनकर के जब लंदन से इंडिया आए
तो उस समय जो उन्होंने बैरिस्टर बने तो इतना करना आसान था क्या, वो भी फॉरेन में इतना आसान था क्या? लेकिन जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ का सब चीजें देखा और भाई यहाँ तो बहुत खराब हालत है, मुझे कुछ तो भी सोशल काम करना चाहिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो तो आए थे पूरे सूट बूट में, तो जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो जो शरीर पर जितना कपड़ा चाहिए ढकने के लिए बस लोगों के पास उतना ही है और मैं तो यहाँ पर सूट बूट में हूँ, तो वो रिलेशनशिप बन सकती थी क्या? तो उन्होंने क्या किया, वो सब लोग मेरे जैसे नहीं बन सकते, तो दूसरा उपाय क्या है, मैं उनके जैसा बन जाऊं तो काम मेरे ये हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उनके जैसा ही व्यवहार शुरू किया, उतने ही कपड़े अपने शरीर पे रखे जितने उनको जरूरत थे शरीर ढकने के लिए, और तब जब जाकर के वो लोगों के साथ में कनेक्ट हुए, एक रिलेशनशिप बिल्ड की, और इस रिलेशनशिप को उन्होंने इतना किया कि जब वो भाषण देने जाते थे या कहीं सत्याग्रह करने के लिए जाते थे तो उनके पीछे 5-5 लाख लोग भी लाइन में लग के उनका भाषण सुनने के लिए आते थे, उनके एक बोलने के ऊपर में वो हर काम करने के लिए तैयार थे जो उस हमारे भारत देश के लिए आजादी के लिए जरूरत थी। तो जो हमारे जो लीडर्स है, जो हमारा जो टीम वर्क है, तो हमको सबके बारे में सोच करके ही काम करना है, तब जाकर के आपका ये बहुत आसानी से अच्छी होगा। तो क्या हम सब लोग मिलकर छूलेंगे आसमान? यस सर। एक बार सब लोग मिलकर बोले, हम सब मिलकर छुएंगे आसमान। 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग अपनी जगह पर।